एनसीपी के नेता सूर्या सोनल के बुलावे पर कलाकारों ने बिखेरा बीती रात जलवा। शहनवाज के चार पुत्र क्यों हैं चर्चा में? एनसीपी के प्रदेश नेता सूर्या सोनल पलामू जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार टूटू से उत्तरी जिला परिषद सदस्य राजू मेहता और बीएसपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी शेर, ये चार युवाओं के ही नहीं बल्कि बड़े और बूढ़ों की जुबानों पर भी आजकल चर्चा में देखे जा रहे हैं। उनकी की कार्यशैली का लोग व्याख्यान करते नजर आ रहे हैं। इन चार युवा में सबसे अच्छा कौन है, लोगों की राय क्या है? मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से बीती रात जो हुआ प्रदेश के नेता सूर्या सोनल की ओर से वो आग के समक्ष, पहले उनकी झलक। हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान के कार्यक्रम की ये झलक मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार व अन्य कई स्टेज पर विराजमान शख्सियत को आप देख सकते हैं। उद्घाटन करते हुए युवा सूर्या सोनल और सैकड़ों लोगों को भी आनंद लेते हुए भी आप देख सकते हैं। यही नहीं, उद्घाटन के कुछ पलों के बाद हुसैनाबाद के पदाधिकारी तो कुछ जाते हुए भी दिखे, मनोरंजन को छोड़कर। मगर जो कुछ हुआ गहरी रात के अंधेरे में अप्राकृतिक रोशनी में, उसको शायद ही सभ्यताओं के प्रस्तारों के घरों में सपरिवार बैठकर देखा जाएगा। हमारे युवा नेता युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये परोस कर ये तो वही जवाब देंगे। यही नहीं, कुछ याद रखने वालों तो ये भी कहते देखे गए कि आरजेडी संजय कुमार के द्वारा बीते वर्ष एक प्रोग्राम कराया गया था, ये उसी का जवाब है। जिस तरह से पानी में भीग कर लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, छतरी लगाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं, उन्हीं जनप्रतिनिधियों ने गरीबों के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवासीय योजना के लिए आज से कुछ महीने पहले 2500 आवास नगर पंचायत से अनुशंसा कराकर दिलाने की बात कही थी और उसका श्रेय भी अपने कंधे पर लिया था, लेकिन उन्हें एक भी आवास नहीं मिला। वो अपनी छप्परों से टपकते पानी के नीचे सोने को मजबूर हैं। श्रेय लेने वाले उनकी सुधि कब लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये भी एक सवाल जैसा है। हाल के दिनों में पलामू जिला युवा उपाध्यक्ष आलोक सिंह उर्फ टूटू सिंह के कार पर नज़र डालते हैं तो वो जहां रोड खस्ता हाल है, पूजा करने वालों को दुश्वारी हो रही है, जिन गांव के रास्ते जर्जर हैं, उसका ख्याल रखते हुए वो मिट्टी भराई करते दिख रहे हैं। यही नहीं, तीसरी कड़ी में जब हाल के दिनों में पलामू ज़िला के युवा उत्तरी ज़िला परिषद राजू मेहता को देखा जाता है तो लोगों की जन समस्याओं का निराकरण हेतु एक आवेदन डीडीसी मेघा भारद्वाज को देते हुए देखा गया। उस आवेदन में कई स्कूल व गांव के जोड़ने वाली सड़कों के साथ स्कूल में टीचर की कमी की मांग की गई है। यही नहीं, अच्छी शिक्षा के लिए बेंच डेस्क व मध्य विद्यालय को हायर विद्यालय बनाने की बात भी रखी गई है, जो युवाओं के साथ साथ क्षेत्र के लोगों के फायदे की बात दिखती है। वहीं चौथे युवा जो अभी क्षेत्र से बाहर दिख रहे हैं वो बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी युवा शेर अली हैं, जो फ़ोन कर कर के बार बार फोनियाते रहते हैं कि लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए भी बात होनी चाहिए, लोगों की बेरोजगारी पर भी परिचर्चा कराई जाए, क्षेत्र के युवा लॉटरी जुआ खेलने में नशा करने में आगे जा रहे हैं, जो हुसैनाबाद के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर भी नज़र डालें। मैंने सीधे तौर पर उनसे कह दिया कि इस तरह के कार्य को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन मौजूद है, वो उनका काम है, वो रोकें। लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों को इन चारों युवाओं से वैरायटी मिल रही है। किस जनप्रतिनिधि कि समाज के लिए कितनी भूमिका लोगों के हित में है, जनता आकलन करती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए आरबीसी चैनल पर, कराते रहेंगे हम आपको हर हकीकत से रूबरू।